हेलो माई डियर किड्स आई होप यू ऑल आर फाइंड आर टू डेज इंग्लिश टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ ए दिस इज़ पेज नंबर ट्वेंटी टू ऑफ योर इंग्लिश बुक सो लेट स्टार्ट वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोडेंस यूज़ ए बिफोर दैम वो वर्ड्स जो कॉन्सोडेंस के साथ शुरू होते हैं उनसे पहले हम ए यूज करते हैं किड्स एज यू ऑल नो दैट अल्फ़ाबैट्स में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं लेटर्स में ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट्स होते हैं और फाइव वॉवल्स होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके आगे हम ए यूज करते हैं जैसे कि अ अ फैन, बैट अ बैल सो डियर किड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल अ फैन अ फैन में एफ ए एन फैन स्पेलिंग देखिए आप फैन की यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो है एफ़ जो कि एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने वर्ड से पहले ए को यूज़ किया है अ फैन एफ ए एन फैन अ फैन ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी किड्स की जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होना चाहिए तभी आप ए यूज़ कर सकते हो वर्ड से पहले अब देखिए यहाँ पर बैट की पिक्चर देख सकते हैं हम सेकेंड एग्जांपल में अ बैट बी ए टी बैट यहाँ पर भी जो फर्स्ट लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है बी इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज़ किया है अ बैट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक बैल की पिक्चर है अ बैल बी ई डबल एल बैल आप देखिए बी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यहाँ पर इससे पहले ए यूज़ किया है अ बैल बी ई डबल एल बैल ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अ हैन आप देख सकते हैं यहाँ पर hen की पिक्चर अ हैन एच ई एन हैन यहाँ देखिए एच एक कॉन्सोनेंट है इसलिए उससे पहले हमने ए यूज़ किया है ए हैन एच ई एन हैन नेक्स्ट पिक्चर देखिए आप ज़िप की पिक्चर देख सकते हैं अ जिप जेड आई पी जिप यहाँ देखिए जेड भी एक कॉन्सोनेंट है जो वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है वो एक कॉन्सोनेंट से हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज़ किया है नेक्स्ट पिक्चर देखिए यहाँ पर फिश की पिक्चर देख सकते हैं अ फिश एफ आई एस एच फिश तो आप देख सकते हैं जो वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है वो एक कॉन्सोनेंट से हो रही है एफ से इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज़ किया है नेक्स्ट देखिए डॉग की पिक्चर अ डॉग डी ओ जी डॉग यहाँ पर भी जो डी है वो एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने वर्ड से पहले ए को यूज़ किया है अ डॉग डी ओ जी डॉग आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए यहाँ पर एक फॉक्स है अ फॉक्स एफ ओ एक्स फॉक्स आप देखिए जो वर्ड की स्टार्टिंग है वो एफ से हो रही है एफ़ एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यहाँ पर ए को यूज़ किया है आप नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पिक्चर देखिए यहाँ पर हट की पिक्चर है अ हट एच यू टी हट अब जो वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है वो एक कॉन्सोनेंट से हो रही है एच आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज़ किया है अ हट सो माई डियर किड्स आई होप Use of A is clear to you. We will soon meet with a new topic. Stay safe, stay healthy, and do practice it at your home.